So hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो चश्मा हटाने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी अभी लॉन्च हुई है सितंबर 2024 में, वेव लाइट प्लस इनोवाइज। ये ऑपरेशन हम लोग करते कैसे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, इस ऑपरेशन में दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है इनोवाइज साइट मैप मशीन में पेशेंट की आंख का एक 3D डिजिटल ट्विन आईवतार बना के हम वर्चुअल सर्जरी करके एक बिल्कुल परफेक्ट लेज़र पैटर्न को ऑब्टेन करते हैं और फिर वो लेज़र पैटर्न को हम लोग मशीन में ट्रांसफ़र करते हैं और पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं। देखिए, ये जो ऑपरेशन है, कई सारे पेशेंट्स में से पूछ रहे हैं, ये ऑपरेशन हम फ्लैप के साथ भी कर सकते हैं और फ्लैप लेस भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन फ्लैप वाला ऑपरेशन हम थोड़ा सा बेटर मानते हैं आज की डेट में, क्योंकि अब फ्लैप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। जब से सेकेंड जनरेशन फेमटोसेकेंड लेज़र्स आए हैं, हम लोग इलीटा फ्लैप बना पाते हैं जिसकी स्ट्रेंथ और जिसकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर है। तो आज की डेट में मेरे हॉस्पिटल में फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो चुकी है जब से हमने इलीटा फ्लैप बनाना शुरू करा है। लेकिन अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज की सर्जरी, वो फ्लैपलेस तरीका दिखा रहा हूँ हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप दिखाऊंगा कैसे हो रहा है, फिर मैं दिखाऊंगा सेकेंड स्टेप कैसे हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैलून के पीछे फोकस करना है, आइज वाइडली ओपन रखनी है, ब्लिंक। अब आपको एक रेड कलर की डॉट दिखेगी, उस डॉट पे फोकस करना है। आइज वाइडली ओपन रखिए, अभी ब्लिंक नहीं करना है, आइज ओपन करके रेड डॉट पे देखना है। अभी दोबारा से रेड डॉट पे देखना है, वाइडली आइज ओपन कीजिए, बस अभी ब्लिंक नहीं करना है, रेड डॉट पे फोकस करना है। आइज क्लोज, अभी आपको ब्लू कलर का एक बैंड दिखेगा, उस पर फोकस करना है, वाइडली आइज ओपन कीजिए, बस ब्लिंक नहीं करना है, आइज को हिलना नहीं, आप मूव नहीं होना। ओपन योर आइज वाइडली, ओपन ओपन ओपन, पिंक वाले डॉट ब्लू बैंड में देखो बस। अभी सेम दूसरी आई का करेंगे, आपको ब्लू बैंड पे फोकस करना है, आइज वाइडली ओपन कीजिए, ओपन योर आइज वाइडली, बस अभी ब्लिंक नहीं करना, आइज वाइडली ओपन रखनी है, क्लोज योर आइज। मूव बैक सर। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वेवलाइट प्लस इनोवाइज का सेकंड स्टेप। तो अब हमने सारा डाटा मशीन में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब हम उसी लेज़र पैटर्न को पेशेंट की आंख में डालेंगे। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि हमने पेशेंट का लेज़र पैटर्न क्या बन के आया है। सो ये सारी इमेजेस हैं, कैप्चर हुई हैं आगे। सो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा फाइनल लेज़र पैटर्न बन के आया है। अब इस एग्जैक्ट लेज़र पैटर्न को हम पेशेंट की आंख में डालेंगे और चश्मे का नंबर हटाएंगे। अभी जो मैं आपको प्रोसीजर दिखा रहा हूँ वो फ्लैपलेस है, वेवलाइट प्लस को हम फ्लैप के साथ भी कर सकते हैं। तो अगेन मैं आपको ये इम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि फ्लैप के साथ ज़्यादा एडवांटेजेस हैं और आजकल जो हम नए टाइप के फ्लैप बनाते हैं सेकेंड जनरेशन, उसमें किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन हमें आजकल नहीं मिल रही। राइट, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये ऑपरेशन हम कर कैसे रहे हैं। बस बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से देखते रहो ऊपर ग्रीन लाइट पर। तो अब फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, ऊपर की जो लेयर होती है जिसको एपिथीलियम कहते हैं, उसको हम लोग हटाते हैं
क्योंकि जो लेज़र है उसको हमने सेकेंड लेयर पे डालना है, फर्स्ट लेयर पे नहीं डालना। सामने देखते हो बच्चे, ग्रीन लाइट छोड़ना नहीं। बस घबराना नहीं, हिलना नहीं। सामने देखो बच्चे, सामने देखो ग्रीन पे, शाबाश। दोनों आंख खोल के रखना है, ग्रीन देखना है। सो अब मैं ये जो ऊपर की लेयर है इसको बड़े प्यार से थोड़ा सा हटा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली लेयर बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल मलाई की तरह हट गई। अब हम रेडी हैं लेज़र डालने के लिए। सो बस बच्चे अब ग्रीन पे देखते रहना, छोड़ना नहीं ग्रीन को, सारा ध्यान हरी बत्ती पर होना चाहिए। दोनों आंखें खोल के रखना, शाबाश, छोड़ना नहीं। तो आप कंप्यूटर पे देख, उस पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे हमने लेज़र पैटर्न फाइनलाइज करा हुआ है और अब इसको हम पेशेंट की आँख पर डाल रहे हैं। स्टार्ट, हिलना नहीं, शुरू कर रहे हैं। लाइट लाइट, ठीक है। और वहाँ से वो स्क्रीन पे दिखा दियो बड़ा करके। हिलना नहीं बच्चे, लेज़र शुरू हो रहा है। बस हो गया ऑपरेशन। अब थोड़ा सा हम लोग हीलिंग के लिए आंख के ऊपर एक हल्की सी दवाई डाल देंगे जिससे हीलिंग हमारी फास्ट हो जाए। दवाई को हम करीब 10-20 सेकेंड आँख पर छोड़ेंगे। तो मैं अगेन आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर कि ये ट्रीटमेंट हमने कैसे करी है और किस तरह का लेज़र पैटर्न है जो हमने डाला है। ठीक है, कम बैक टू स्क्रीन। बस अब इसके बाद हमने आंखों को एक बारी अच्छे से धो लेंगे। सो अब ये प्रोसीजर हमारा 100% बिना कट और बिना फ्लैप के है। तो अगर कोई कल को गवर्नमेंट जॉब में भी जाने का सोच रहा है जहाँ पे पेशेंट चाहते हैं कि पकड़ में ना आए ऑपरेशन, तो ये वाला ऑपरेशन हम प्रेफर कर सकते हैं। सो अच्छे से हमने आंखों को अब धो लिया और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पतला सा लेंस लगा देंगे ताकि थोड़ा सा आंख में धूल मिट्टी ना चिपके, हीलिंग अच्छी हो जाए और इस लेंस को हम एक हफ्ते में हटा देंगे। बस फर्स्ट आई हमारा डन है, अब हम सेकेंड आई शुरू कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन पे लिखा हुआ आ रहा है कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। तो थोड़ा सा जूम करके दिखा देना, इनोवाइज वाला ऑपरेशन है। एंड स्टार्ट, हिलना नहीं, ग्रीन देखते रहना। और बस इसके ऊपर हमने एक पतला सा लेंस लगा दिया जिससे आंख थोड़ी सी प्रोटेक्टेड रहे। 5-6 दिन में जो हमने ऊपर का एपिथेलियल लेयर हटाया है वो दोबारा ग्रो हो जाएगा। बस फिर इस लेंस को हटा देंगे हम और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल और अपने सारे काम कर सकता है।